अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। फाइनली यार कहते हैं लुलु सर झील पे आके पहुंचे। ये पीछे देख सकते हैं सारा लुलु सर झील है। नारान से हम निकले थे सुबह से, कहते हैं 6:30 बजे का टाइम था और अभी 8:30 हो गया। काफ़ी कहते हैं रास्ता है, लेकिन रास्ते ख़राब है, मतलब पानी कहते हैं बहुत स्लोली है। जिधर जिधर ट्रैक मिला है हमने भगाइएगा बाइक। ये सारा आप देखे पीछे कहते हैं लुलु सर झील का व्यू है। उधर से आगे अभी भी कहते हैं बाबू सर टॉप जो है वो बता रहा है, पीछे आपने देखा था कहते 20 किलोमीटर उससे आगे, 2 किलोमीटर आगे आगे होगा, 18 किलोमीटर बाबू सर आगे टॉप अभी और आगे। तो ये आगे पहुँचे लुलु सर झील का व्यू है। इधर मतलब ये सैफल मलूक से ये जो है झील कहते हैं काफ़ी बड़ी है। सैफल मलूक इतनी झील उतनी बड़ी नहीं है जितनी ये है, वहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन ये क्रॉस में ना लैंड में से जा रही है और 4-5 पहाड़ों में जो पानी है वो उस पर नीचे आ रहा है। तो सर्दी काफ़ी है लगा के, हर सर हल्का का सर में दर्द, हमने ये नीचे पहना हुआ, ऊपर जैकेट भी पहनी है, ग्लव है, हेलमेट है, लेकिन सर भी फिर रस्ते पे मैं ज़्यादा शायद सुबह सुबह का टाइम है इस वजह से। और आगे जो है बाबूसर टॉप पे भी हम पहुँचेंगे, वहाँ पे भी सर्दी होगी काफ़ी, तो अभी काफ़ी आगे रास्ता है, मतलब घंटा डेढ़ हमें और लग जाएगा। लुलु सर झील का ये थोड़ा सा व्यू था, ये इस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा पीछे वही है पॉइंट। और इतना काफ़ी इस टाइम रश वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। ये भाई हमारे साथ जो आए हुए थे काफ़ी तंग हो गए हैं, सर्दी भी लग गई इनको। हमारे पास जो थी शर्टें थी, मेरे पास एक ही लेके आए हैं, अभी हमें बाज़ार में आके देखेंगे और लेंगे। ये बैठे हैं क्योंकि बाइक पे पीछे बैठे हुए हैं तो सर्दी लग रही है सुबह सुबह टाइम, और मौसम भी ज़रा बादल बने हुए सारे, इतना मतलब वो धूप वगैरह सी नहीं है। आगे जाके पता नहीं मौसम कैसा मिले, उम्मीद है कि हम कहते हैं जो पहुँचे आगे बाबू सर टॉप पे। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।